चाची रुद्र को बताएगी तो जरूर, लेकिन वही बताएगी जो मैं जानती हूँ। इतनी जल्दी मैं अपनी क्लिनिक कहाँ खोलूंगी? वो यहाँ पर श्रीनिधि क्लिनिक है, वही मेरा ट्रांसफर हो गया है। अरे वही, उसी के पास तो वो रहती है। कौन? गौरी। ओहो, मतलब रोज मुझसे मिलने के बहाने आप उसे घर छोड़ने जाएंगे? बस बस नहीं। कहाँ रह गई थी गौरी? कहाँ रह गई थी तू? तुझे पता तेरी वजह से हम सब कितने परेशान हैं यहाँ पे? लेकिन रुद्र, मैंने तो मैसेज दिया था। कौन सा मैसेज? किसका मैसेज? किसको दिया था मैसेज? पहले दिन अगर तू ऐसा करेगी तो आगे जाके क्या करेगी? काम मुझे भी मिला है, लेकिन ऐसे मैंने काम नहीं किया है। अरे मुझे अपनी बात कहने का मौका तो दो। मैं जानती हूँ रुद्र कि मैं आज पहले दिन ऑफिस से लेट हो गई हूँ, लेकिन रुद्र समझने की कोशिश करो, मेरी और तुम्हारी नौकरी अलग है। I'm sorry कि मैं लेट हो गई, लेकिन मैं सच कह रही हूँ रुद्र, मैंने खुद पद्मा चाची को फोन करके इन्फॉर्म किया था कि मैं ऑफिस से लेट हो जाऊंगी। मैंने बताया था उन्हें। अरे किसे मैसेज दी पद्मा चाची को? अरे मैं आई थी ना बताने, लेकिन किसे बताती, घर पे तो कोई था ही नहीं। फिर भी बेटा मैंने चिट्ठी लिख कर रखी थी वहां खिड़की पर। ये देखो यहाँ गिरी हुई है। वो तो अच्छा हो गया कि चिट्ठी मिल गई, वरना सारे फसाद की जगह ये पद्मा चाची ही बन जाती। रिश्ते विश्वास की नींव पर ताश के पत्तों से बने हुए महल की तरह होते हैं। शक का हल्का सा भी झोंका ना उस महल को बिखेर के रख देता है। तुम दोनों का प्यार अटूट है, पर ही मुद्दतों के बाद गौरी को रुद्र का प्यार मिला है। इस प्यार को बिखरने मत देना बेटा। मुझे माफ कर दे गौरी, प्लीज। मुझे माफ कर दे गौरी। चोकर बने हुए तो रुद्र निकालो इसे। सर आपका बैग देख लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें मेरी बेटी के शादी के गहने और कैश है। आज मेरी बेटी की शादी है, अगर आप न होते तो मेरा क्या होता? मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं? मैंने वही किया जो ठीक। हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती दोस्त। बहुत खूब, इन्होंने अपनी जान पर खेल कर आपका बैग बचाया। इनकी हिम्मत और ईमानदारी के लिए इनाम तो बनता है। नहीं नहीं सर, मैं ये नहीं ले सकता, थैंक यू। अरे यार, आज महाशिवरात्रि का दिन है, पति पत्नी का दिन है। हो सकता है कि शिव महाराज ने ही तुम्हारी पत्नी के लिए भेजा हो और तुमसे ये काम करवाया हो। रख लो, कीप इट। अरे रख ले यार, ये ले पकड़, रख। थैंक यू, खुश रहो बेटा। थैंक यू। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय। यार तुम्हें तो चोट लगी है, यू टेक केयर। आप भी अपनी पत्नी के साथ महाशिवरात्रि खुशी के साथ मनाइए। मेरी तो अभी तक शादी नहीं हुई है। फिर मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जितनी अच्छी मेरी पत्नी है, भगवान आपको भी उतनी अच्छी पत्नी है।